रसोई क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा माता कहाँ रहती हैं? वहीं रहती हैं। तो आप बिना नहाए रसोई में जाती हो, बिना नहाए मंदिर जाना चाहिए? बेटा, रसोई में ही अन्न होता है और अन्न ही हमारे विचारों को बनाने और बिगाड़ने का मूल है। कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए। तो जब आप बिना नहाए अपनी रसोई में जाओगी, शुद्धि हो गई ना भाई। शुद्धि भी कोई चीज होती है कि नहीं? जैसी राखो शुद्धि वैसी बनेगी, बोलो। जैसी शुद्धि वैसी, स्वाभाविक है। आज के लोग मानते नहीं है। नहीं मानो तो भाई नहीं मानो, पर जो है आजकल बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? पहले के लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट थी? उत्तर दो। पहले रोज गाय के गोबर से चौका लगता था, मतलब आंगन को लिपाई होती थी। रोटी बनने के बाद, भोजन बनने के बाद पूरा चूल्हा साफ होता, चूल्हे को गाय के गोबर से लिपा जाता था, पूरे बर्तन साफ शुद्ध होते थे। और फिर उस चूल्हे में जाने वाली जो गृहिणी होती थी, प्रवेश करती हैं और उसी पवित्र भाव से जब भोजन तैयार करती हैं, तो वही उसकी पवित्रता उसके भोजन के द्वारा उसके पति के अंदर और उसके पुत्र के अंदर प्रवेश करती है। वही पवित्रता, वही भाव जो एक गृहिणी का होता है, क्योंकि वही अन्न से आपका मन तैयार होगा, आपका शरीर तैयार होगा, आपका रक्त तैयार होगा। वही अन्न से ना सब तैयार होता है। ऐसी अशुद्धि में रहोगी तो तुम्हारे पति के अंदर, तुम्हारे पुत्रों के अंदर गलत गलत विचार ही आएंगे। कैसे विचार आएंगे? क्योंकि अशुद्धि में आपने कार्य किया है, तो अशुद्धि तो अपना प्रभाव दिखाएगी, वो गलत विचार। अशुद्धि मीन्स नेगेटिविटी, शुद्धि मीन्स पॉजिटिविटी। अब नहीं बनाना। रसोई में जाओ भी मत बिना नहाए। रसोई में प्रवेश करने से बचो बिना नहाए। बच्चों को भी सिखाओ, बेटा यहां नहा के आना है। पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खान पान, पहले के लोग कहीं नहीं खाते थे, घर में खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? कहीं भी आपकी तरह खड़े होके। आजकल आप किसी के भी हाथ का खा रहे हो, इसी को बोलते हैं भक्षा भक्ष। कुछ भी खा रहे हो, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कहीं उंगली डाल रहा है और उसी हाथ से तुम्हारे को दे रहा है, खा रहे हो। सापना सामान लेके चलते थे, आटा आलू सब चीजें, जहां समय मिला वहां अपना। पहले छगड़े बैलगाड़ी में लोग नहीं यात्रा करते थे, तो बैलगाड़ी में सब बांध के चलते थे, राशन पानी अपना एक पेड़ के नीचे रुका, अपना बनाया खाया, आगे बढ़े। सबका नहीं, सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। आदमी एक साधु आया, वो भिक्षा मांग रहा था, तो वैश्या का घर आया तो साधु गया भिक्षाम देही, तो भिक्षा गया और एक वैश्या के घर से भिक्षा ले आया। तो वैश्या ने बढ़िया खीर बनाई थी, पूरी। तो उसने कहा, बाबा जी भिक्षा क्या लेते हो, आओ बैठ के पाओ, मैं आपको बड़ी मोटी दक्षिणा दूंगी। और वैश्या ने परोसा। अब बाबा जी ने बढ़िया खीर पूड़ी बढ़िया चक लड्डू खाए, और जब उस वैश्या का अन्न उसके पेट में गया, तो उस अन्न ने बाबा जी के अंदर ऊधम मचाना स्टार्ट किया। अब बाबा जी को सताया काम। हाँ, आधना करते तो इतने साल हो गए, भजन करते, ये क्यों आ रहा है? तो लोगों ने बताया कि आप आज जिनके यहाँ खाए हैं, जानते हैं वो कौन है? बोले, वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी वैश्या है। अच्छा, वैश्या का अन्न खाया तो उनके अंदर क्या आ गया? काम, वासना आ गई। जैसा अन्न होगा वैसे ही तो मन चलेगा। अब मन भी बाबा जी का जाने लगा यहाँ वहां। पहले के लोग सबका नहीं खाते थे, कि पता नहीं आप कैसे विचार वाले हैं भाई। आप गौ हत्यारे हैं, आप मीन्स जो है उनकी बात, कोई गौ हत्यारा है,
गौ हत्यारा है और तुम उसके घर का अन्न खाओगे तो तुम्हारे अंदर वो अन्न क्या करेगा? अन्न अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ना साहब, हाँ या ना? आपको क्या लगता है अन्न का प्रभाव नहीं होता? पता नहीं आप कैसे विचार वाले हैं, शराबी होंगे आप, मांसाहारी तो नहीं है आप, गलत झूठ कपट से तो नहीं कमाया पैसा, उससे तो आपने नहीं किया, वो आपने खिला दिया हमें ना। इसलिए पहले के लोग याद रखिएगा, सन्यासी भिक्षा लेता है, सबके घर की भिक्षा नहीं लेता। पहले के साधु होते थे, मैंने देखा है ये दौर, पहले जो संत होते थे जो भिक्षा मांग के अपना भजन करते थे, वो सबके घर की भिक्षा नहीं लेते थे। पहले वो गांव का मुआयना करते, इस गांव में सात्विक कौन है? कोई ब्राह्मण है क्या इस गांव में? जिस गांव में कोई ब्राह्मण नहीं होता था साधु, उस गांव की भिक्षा लेते ही नहीं थे। भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण ही नहीं है, कोई भक्त नहीं है तो भिक्षा काहे को लेंगे? भिक्षा भी अच्छे भक्तों की होगी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया तो वो सबके घर भिक्षा थोड़ी मांगते थे। सन्यासी उन श्रेष्ठ आचार्य श्रेष्ठ भक्तों के यहाँ, जिनके हृदय में भक्ति का वास है, अरे भक्ति के वास जिनके घर में है, भक्तों के यहाँ खाएंगे तो भक्तों की भक्ति हमें प्राप्त होगी। तो आज से आप अपने बच्चों को ये सब सिखाओ, बाहर की चीज़ें कम खाएं, अच्छा भोजन बनाओ मेरी माँ घर पर, माँ अच्छा बनाए, पवित्रता से बनाए, अच्छे मन से बनाए, वो खाएंगे आपके पति, वो खाएगा आपका बच्चा, तो नित्य स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बुद्धि भी अच्छी होगी। आज दोनों ही बिगड़ा, स्वास्थ्य भी और बुद्धि भी। माताओं को भी लगता है कि क्या बनाना, बाहर से ले आओ, अपने को क्यों बना। आजकल तो माताएं आलसी हो गई हैं, भोजन भी नहीं बनाती अच्छे से। तुमने भोजन बनाने के लिए भी बाई रखी है तो करती क्या हो तुम? दिन भर व्हाट्सएप चलाना, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना, रील बनाना। हाँ। पत्नी जब परो और वो किसी और के हाथ का बनाया खाएगा तो उसी से प्रेम होगा उसको, है ना? फिर ना बोलना कि हमारे पति का चक्कर चल रहा किसी से। अब तुम बनाओगी नहीं, खिलाओगी नहीं तो वो किसी और से चक्कर चलाएगा। इसलिए खान पान अच्छा हो, सात्विक हो, होना चाहिए कि नहीं?